देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आरडी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भाई। और लास्ट में हम जो है ना एक्सरसाइज 3.5 में थे, उसमें मैंने आपको क्या चीज बताई, अगर आपके पास टू वेरिएबल में टू इक्वेशन हो तो उनके जो सॉल्यूशन है वो यूनिक कब होंगे, नो सॉल्यूशन कब होंगे और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होंगे। यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे भाई, जब A1 अपॉन A2 इक्वल टू नहीं है B1 अपॉन B2, तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और साथ में बोल के जो है ना, जब आप इनके ग्राफ बनाओगे ना तो वो लाइन आपकी क्या होंगी, पैरेलल बनेंगे। क्या बनेंगी, पैरेलल ना भाई, इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट वो करेंगी। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो जब आप इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे ना तो इनके जो ग्राफ हैं आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट वो करेंगे। और साथ में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कॉन्सिस्टेंस होगा। कैसा होगा, कॉन्सिस्टेंस होगा। तो तीन चीजें होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ग्राफ आपस में करेंगे इंटरसेक्ट, और इक्वेशन कैसी होंगी, कॉन्सिस्टेंट होंगी। इसके बाद अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू है B1 अपॉन B2 इक्वल टू नहीं है C1 अपॉन C2, तो नो सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे भाई, नो सॉल्यूशन होंगे। और साथ में जब आप ग्राफ बनाओगे तो पैरेलल आएंगे, और जो इक्वेशन है ना वो इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। कैसे होंगे, वो इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। इसके बाद थर्ड आपका भाई, अगर A1 अपॉन A2 तीनों बराबर हो तो सॉल्यूशन आपके होंगे इनफाइनाइट मेनी। और जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो एक दूसरे के ऊपर का होंगे, यानी एक दूसरे को कोइंसिडेंट वो करेंगे। और साथ में जो इक्वेशन है ना इसके बारे में भी कंसिस्टेंसी कहलाऊंगी, यानी जब सॉल्यूशन हो ना, चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट मेनी हो, तो इक्वेशन कहलाऊंगी कंसिस्टेंट, और जब सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होंगी। तो आपको गिवन होगा, या तो कहो होगा यूनिक सॉल्यूशन है तो आप ये वाली चीज अप्लाई करोगे, या कहो होगा नो सॉल्यूशन तो ये चीज अप्लाई करोगे, या कहो होगा इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन तो आप ये वाली चीज अप्लाई कर दोगे। देखो लास्ट में मैंने आपको जो है ना 29 करवा दिया भाई, अब तुम पढ़ो 30। 30 में जो है ना के वैल्यू बतानी है। 30 में क्या भाई, के वैल्यू आपने बतानी है। और जो गिवन इक्वेशन है ना, गिवन इक्वेशन आर कौन कौन है, गिवन इक्वेशन भाई एक तो 2x प्लस ky लिया वन को इसे साइड -1 इक्वल टू 0 है, और सेकंड है 3x माइनस का 5y माइनस का 7 इक्वल टू 0 है। और फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इसका यूनिक सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है भाई, यूनिक सॉल्यूशन है। तो अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो ध्यान आपका यहाँ पर जाना चाहिए कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू नहीं होगा B1 अपॉन B2, वहां से K के बारे में पता लग जाएगा हमने। तो गिवन इक्वेशन या फिर गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कैसे आपके भाई, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या हुआ, तो A1 बाई A2 तो 2/3 इक्वल टू नहीं होगा B1 अपॉन B2, तो B1 y का कोफिशियंट के अपॉन में B2 कौन है, माइनस का 5। करना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस का 10 नॉट इक्वल टू 3k बनेगा, तो k की वैल्यू 3 से कर दो डिवाइड, तो जो k नॉट इक्वल टू कौन होगा, तो k नॉट इक्वल टू बनेगा माइनस का 10 अपॉन 3 बनेगा। उसके बाद जिसका नेक्स्ट पार्ट है ना, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट अपना भाई, सेकंड में लिखा हुआ नो सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है, नो सॉल्यूशन, कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इसका नो सॉल्यूशन है। तो के की वैल्यू बताओ, अगर नो सॉल्यूशन है, अगर नो सॉल्यूशन है तो फिर ये वाली चीज होगी, यानी A1 अपॉन A2 यानी 2/3
इक्वल टू होगा बी वन अपॉन बी टू, बी आपका के और बी टू कौन है माइनस का फाइव, तो यहां से के कौन होगा तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस का टेन इक्वल टू थ्री के बनेगा, तो के की वैल्यू होगी माइनस का टेन बाई थ्री, अरे थ्री से कर दो डिवाइड, तो के की वैल्यू होगी माइनस का टेन अपॉन थ्री। तो कहो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है, अगर नो सॉल्यूशन है तो ए वन बाई ए टू इक्वल टू होगा बी वन बाई बी टू, तो यहां से के आ गया अपना। और फिर आपको ये कहो है, इसमें लिखा हुआ है इज देयर ए वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम हैज इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन, कि के की वैल्यू जब माइनस का टेन बाई थ्री हो तो क्या इसके जो सॉल्यूशन है वो इनफिनिट में नहीं हो सकते हैं। अब जब सॉल्यूशन आपके इनफिनिट में नहीं होंगे तो तीनों इक्वल होंगे, तो आपका क्या हुआ भाई तीनों इक्वल होंगे ना, और जब तीनों इक्वल हैं तो फिर तो के आप यहां से भी निकाल सको। अरे वो ये को है ये जो के की वैल्यू है ना, क्या इस के की वैल्यू के लिए इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफिनिट में सॉल्यूशन हो सकते हैं? जब इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन होंगे तो तीनों इक्वल होंगे ना, यानी ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए टू इक्वल टू होगा बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू होगा सी वन अपॉन सी टू, तो फिर आप के वैल्यू यहां से भी निकाल सको, तो जरूरी थोड़ा है के वैल्यू यहां से तो निकाल सको। फिर तो यहां से क्या होगी इसकी इसकी मल्टीप्लाई इसकी इसकी, तो यहां से के की वैल्यू बनेगी 7k, और इस किसके करना मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 होगा ना, माइनस 1 के माइनस के 5 की, तो k इक्वल टू कौन होगा 5 अपॉन 7, तो k के फिर ये भी तो हो सके वैल्यू, हमें मान लो भाई k की वैल्यू ये भी हो सकती है, पर k की ये भी तो हो सके ना, क्योंकि जब इनफिनिट में सॉल्यूशन होंगे तो तीनों इक्वल होंगे, अगर तीनों ही इक्वल है तो फिर के आप यहां से भी निकाल सको और के आप यहां से भी निकाल सको। अगर आप के यहां से निकालोगे तो फिर 5 बाई 7 होगी, तो जरूरी थोड़ा है के की वैल्यू ये होगी, ये भी तो हो सकती है, तो इसका नो आंसर बनेगा। 31 पढ़ो भाई, 31 में क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू बतानी है, और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो कोइंसिडेंट लाइन आएंगी, लाइंस कैसी होंगी आपकी कोइंसिडेंट, जब लाइन आपकी कोइंसिडेंट है तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं इनफाइनाइट मेनी, सॉल्यूशन कैसे होते हैं भाई इनफाइनाइट मेनी होते हैं, तो आप ये वाली चीज यूज करोगे फिर लास्ट वाली। तो 31 है ना, तो 31 के अंदर के की वैल्यू बतानी है, और जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कौन है भाई x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, सेकंड 2x प्लस ky प्लस 14 इक्वल टू 0 है भाई, k की वैल्यू बतानी है, और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना जब आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट आप करोगे तो कोइंसिडेंट लाइन आएंगे, यानी जो ग्राफ है ना वो एक दूसरे के ऊपर को होंगे, यानी ये वाली चीज बनेगी। अरे जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो ही तो ग्राफ कैसे बनते हैं कोइंसिडेंट, तो ये यूज कर लो। तो क्या होगा a1 अपॉन a2 यानी 1 बाई 2, अरे x का कोफिशियंट 1 है ना, यहाँ x का 2, तो 1 बाई 2 इक्वल टू y y के कोफिशियंट, यहाँ पर 2 यहाँ पर कौन y का k इक्वल टू होगा 7 बाई, वो खुद को वकीन के जो ग्राफ है वो कोइंसिडेंट है, अगर ग्राफ कोइंसिडेंट है तो हमने क्या पढ़ रखे हैं कि तीनों के कोफिशियंट इक्वल होंगे। अब यहाँ से k निकाल लो, अब देखो तीन चीज इक्वल है, चाहिए दो इक्वल है चाहिए दो इक्वल लेकर निकाल लो आपकी मर्जी है, तो दो इक्वल ये ले ली मैंने, तो 1 बाई 2 इक्वल टू कौन 2 बाई के बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इक्वल टू कौन होगा तो k इक्वल टू 2 2 जा 4 बनेगा, ये होगा। तो
तो इसमें लिखा हुआ था जो गिवन इक्वेशन है ना वो कोइंसिडेंट करें, जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो क्या करें कोइंसिडेंट, अगर वो कोइंसिडेंट वो करें तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू होगा। अब तीन चीज इक्वल है तो आप कोई सी दो इक्वल ले इसको, चाहे दो इक्वल ये लेकर निकाल लो चाहे दो इक्वल ये लेकर निकाल लो, तो के की वैल्यू आ जाएगी अपनी, तो के की वैल्यू कौन होगी आपकी फोर बनेगी भाई। आगे देखो अब तुम पढ़ो 32 भाई, 32 में लिखा हुआ है ऑब्टेन द कंडीशन फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन भाई। ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना ए एक्स प्लस बी वाई कॉन्स्टेंट लिया इस साइड माइनस का सी इक्वल टू जीरो और सेकंड है एल एक्स प्लस एम वाई माइनस का एन इक्वल टू कौन है जीरो। अरे जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इसका यूनिक सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन है, और आपने बताना कि ए बी एल और एम के बीच क्या रिलेशन होगा ये आपने बताना है। तो इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर वन, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर टू, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन वे, कैसे सॉल्यूशन आपके यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू होगा बी वन बाई बी टू, तो देर फोर ए वन ए है ना अपना बाई में ए टू एक्स का कोफिशियंट एल नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, यानी बी अपना बी वन और बी टू कौन है इसमें जो वाई का कोफिशियंट है एम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए एम नॉट इक्वल टू एल बी बनेगा, तो ए एम एल और बी के बीच ये रिलेशन होगा कि ए और एम के मल्टीप्लाई कभी भी एल और बी के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होगी, ये रिलेशन बनेगा। मेन बात आपको ग्राफ याद हो पूरा पूरा। और देखो थर्टी थ्री पढ़ो भाई, 33 में लिखा हुआ है ए और बी की वैल्यू बतानी है, जो ए और बी है ना इनकी वैल्यू बतानी है, और ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है 2a माइनस वन इन टू में एक्स प्लस 3y माइनस का 5 इक्वल टू जीरो है, और सेकेंड है भाई 3x प्लस b माइनस वन इन टू में वाई माइनस का 2 इक्वल टू जीरो है भाई। ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इसके इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन है, और ए और बी बताओ, अगर इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन है तो ये वाली चीज चलेगी, यानी ए वन बाई ए टू इक्वल टू होगा बी वन बाई बी टू इक्वल टू होगा सी वन बाई सी टू, तो वहां से ए और बी आ जाएंगे अपने। तो पेपर में ऐसे लिखोगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा ए वन बाई ए टू करना ए वन बाई ए टू, तो एक्स का कोफिशियंट है टू ए माइनस वन और यहां एक्स का कोफिशियंट है थ्री इक्वल टू होगा वाई वाई के कोफिशियंट की रेशो, यहाँ पर कौन है y का कोफिशियंट 3 और यहाँ पर y का कोफिशियंट है b माइनस वन इक्वल टू होगा कॉन्स्टेंट माइनस का 5 है अपॉन इसका कॉन्स्टेंट है माइनस का 2। अब देखो तीन चीज इक्वल है तो आप कोई सिर्फ दो इक्वल है इसको, अब आपको a और b की वैल्यू बतानी है ना, तो आप ऐसा करो
फर्स्ट थर्ड इक्वल ले लो और सेकंड थर्ड इक्वल ले लो, आप एम दो इक्वल है इसको कोई दिक्कत नहीं। पर जब फर्स्ट थर्ड इक्वल लोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड थर्ड इक्वल लोगे तो बी की आ जाएगी। तो एक बार फर्स्ट थर्ड ले लो, एक बार सेकंड थर्ड ले लो, माइनस से माइनस तो काट ही दो, तो 2a माइनस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू कौन होगा 5/2, और यहां से क्या बनेगा 3 अपॉन b माइनस 1 इक्वल टू कौन होगा 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4a माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 5 15 भाई, इस 2 को ले जाओ साइड, तो 4a इक्वल टू 15 प्लस में 2 17, तो a की वैल्यू होगी 4 से करोगे डिवाइड तो 17/4 बनेगी। यहां से b निकाल लो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 3 6 इक्वल टू 5b माइनस का 5, तो b एक तरफ इसको लिया इस तरफ तो 6 प्लस में 5 11 इक्वल टू 5b, तो b इक्वल टू कौन होगा 5 से करोगे डिवाइड तो b इक्वल टू होगा 11 अपॉन 5 बनेगा। ये b की वैल्यू या a की वैल्यू होगी, तो खुद का होता जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो तीनों इक्वल होंगे, जब तीन चीज इक्वल हो तो आप कोई सी भी दो इक्वल है इसको, तो एक बार फर्स्ट थर्ड एक बार सेकंड थर्ड इक्वल ले दी मैंने तो ये और भी आ गए। और देखो भाई थर्टी फोर और 35 में से कोई एक कर लो भाई, दोनों सेम है तो बोलो कौन सा कराऊं, चाहे 34 चाहे 35 दोनों पेपर में आए हुए हैं और दोनों बिल्कुल सेम है। चलो आपको 35 करवा दूं। 35 के अंदर जो गिवन इक्वेशन वो कौन कौन है भाई, एक तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है, सेकंड आपकी p प्लस q इंटू एक्स प्लस 2p माइनस में q, 2p माइनस में q इंटू में y इज इक्वल टू है भाई 3 इंटू में p प्लस q प्लस 1। अरे जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इसके इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन है, इसमें लिखा हुआ भाई गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भाई। ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इसके कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अगर इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा भाई a1/a2, अरे आपको गिवन है ये कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन है तीनों इक्वल होंगे, तो a1/a2 यानी 2 अपॉन p प्लस q इक्वल टू y के कोफिशिएंट, यहां पर y का कोफिशिएंट है 3, यहां पर y का कोफिशिएंट है 2p माइनस में q इक्वल टू, इसको लेकर आना था इस साइड भाई। चलो तो ये माइनस का 9 बनेगा और भाई में ये पूरी पूरी माइनस का हो जाए साइड, माइनस का 3 इंटू पी प्लस क्यू प्लस 1, थोड़ा इस साइड लेगा होगा ना इसको, तो अब यहां से पी और क्यू आ जाएंगे अपने, निकाल लो यहां तक पी थोड़ा सिंपलीफाई, देखो माइनस से माइनस वैसे 3 3 जा यानी 3 अपॉन ये लिखा हुआ है, तो करो फिर देखो तीन चीज इक्वल है तो आप कोई सी दो इक्वल है इसको, आपकी बार तो आपकी मर्जी है भाई, चाहे फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड इक्वल ले लो या फिर वही पहले वाला फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड इक्वल ले लो, आपकी मर्जी है। चलो मैंने फर्स्ट थर्ड वही पहले वाला और सेकंड और थर्ड इक्वल ले ली, तो जब फर्स्ट थर्ड इक्वल लोगे तो 2 अपॉन पी प्लस क्यू इक्वल टू होगा 3 अपॉन
थरी बचा हुआ नहीं है तो पी प्लस में क्यू और प्लस वन और सेकंड और थर्ड इक्वल ले लो तो थ्री अपॉन टू पी माइनस में क्यू इक्वल टू कौन थ्री अपॉन पी प्लस क्यू प्लस वन। अब एक तो पी और क्यू में इक्वेशन आता बनेंगे, एक पी और क्यू में आता उसको सिंपलीफाई करो पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी। यहां से क्या बनेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई टू पी प्लस टू क्यू और टू वन जा टू इज इक्वल टू थ्री पी प्लस में कौन है थ्री क्यू बनेगा ना। अब ले जाओ सब कुछ एक तरफ तो थ्री पी है ना इसको लिया इस तरफ तो थ्री पी में टू पी गया पी बचेगा थ्री क्यू में से टू क्यू गया क्यू बचेगा और ये रखो इसे साइड इक्वल टू टू इसको नाम दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ थ्री से थ्री इक्वेशन क्या हो गया कैंसिल कोई इक्वल टू है ना ऊपर आप कैंसिल कर सको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी वन यहाँ पर भी वन ही बचा हुआ करना क्रॉस मल्टीप्लाई वन की इसकी मल्टीप्लाई तो पी प्लस क्यू प्लस वन इक्वल टू वन की रिस्क करो मल्टीप्लाई टू पी माइनस में क्यू ले जाओ सब कुछ उस साइड टू पी मत पी गया पी वही इसको भी लेकर जाओ उस साइड माइनस का क्यू और माइनस का एक क्यू माइनस का टू टू क्यू अरे वन रखो इसे साइड इसको नाम दो इक्वेशन नंबर टू। देखो ये चीज आपको आनी चाहिए सीधी सी बात है भाई 2p इसको लेगा उससे 2p मतलब p गया p बचेगा माइनस q इसको लेकर जाओ तो माइनस का q हो जाएगा तो माइनस का अब इनको सोल्व करो p और q आ जाएंगे। सोल्व कैसे करोगे या तो यहां से p निकाल के इसमें कर दो पुट q आ जाएगा फिर वो q की वैल्यू यहां लिखो यहां से p की कौन होगी 2 माइनस में q बनेगी यहां लिख दो तो 2 माइनस में q माइनस का टू क्यू इक्वल टू वन तो माइनस का थ्री क्यू इस टू को लेकर जाओ साइड वन माइनस में टू माइनस वन माइनस से माइनस यहां से क्यू की होगी वन बाई थ्री ये क्यू की यहां पर लिखो तो पी आ जाएगा। तो चलो आज आपने यहां तक करने हैं भाई बाकी फिर कल करेंगे।